नमस्कार, हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स में आपका स्वागत है। हनुमान जी को सिंदूर क्यों चढ़ाते हैं? अद्भुत रामायण में एक कथा का उल्लेख मिलता है, जिसमें मंगलवार की सुबह जब हनुमान जी को भूख लगी तो वे माता जानकी के पास कुछ कलेवा पाने के लिए पहुंचे। सीता माता की मांग में लगा सिंदूर देखकर हनुमान जी ने उनसे आश्चर्यपूर्वक पूछा, माता, मांग में आपने यह कौन सा लाल द्रव्य लगाया है? इस पर सीता माता ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, पुत्र, यह सुहागिनी स्त्रियों का प्रतीक, मंगल सूचक, सौभाग्यवर्धक सिंदूर है, जो स्वामी के दीर्घायु के लिए जीवन पर्यंत मांग में लगाया जाता है। इससे वे मुझ पर प्रसन्न रहते हैं। हनुमान जी ने यह जानकर विचार किया कि जब उंगली भर सिंदूर लगाने से स्वामी की आयु में वृद्धि होती है, तो फिर क्यों न सारे शरीर पर इसे लगाकर अपने स्वामी भगवान श्री राम को अजर अमर कर दूं। उन्होंने जैसा सोचा वैसा ही कर दिखाया। अपने सारे शरीर पर सिंदूर पोतकर भगवान श्री राम की सभा में पहुंच गए। उन्हें इस प्रकार सिंदूरी रंग में रंगा देखकर सभा में उपस्थित सभी लोग हंसे, यहाँ तक कि भगवान राम भी उन्हें देखकर मुस्कुराए और बहुत प्रसन्न हुए। उनके सरल भाव पर मुग्ध होकर उन्होंने यह घोषणा की कि जो मंगलवार के दिन मेरे अनन्य प्रिय हनुमान को तेल और सिंदूर चढ़ाएंगे, उन्हें मेरी प्रसन्नता प्राप्त होगी और उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसी पर माता जानकी के वचनों में हनुमान जी को और भी अधिक दृढ़ विश्वास हो गया। कहा जाता है कि उसी समय से भगवान श्री राम के प्रति हनुमान जी की अनुपम स्वामी भक्ति को याद करने के लिए उनके सारे शरीर पर चमेली के तेल में घोलकर सिंदूर लगाया जाता है। इसे चोला चढ़ाना भी कहते हैं। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।